हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम क्विज़ एप्लीकेशन से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको क्विज़ एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाऊंगा कि हमारा क्विज़ एप्लीकेशन कैसा रहेगा, एंड इससे रिलेटेड हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम कम्प्लीटली क्विज़ एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो आ जाते हैं हम हमारे मोबाइल के स्क्रीन में, एंड यहाँ पर सर्च कर देते हैं क्विज़ ऐप। तो आपको ये जो स्टार्टिंग में लोगो दिखाई दे रहा है क्विज़ एप्लीकेशन का, यही हमारा क्विज ऐप्स है एंड इसका लोगो यही है। ओके, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें क्विज ईयर करके आपको शो हो रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप एंड साइन इन का पेज ओपन हो चुका है। तो अभी मैं लॉग इन हीयर पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन का भी पेज शो हो रहा है। अभी मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे साइन अप का पेज शो हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ। तो आपको कोई भी नेम एंटर करना है, जैसे हम अजय शर्मा एंटर कर देता हूँ, एंड कोई भी रैंडमली मैं जीमेल आईडी एंटर कर देता हूँ ajay234@gmail.com। ये होने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। तो यहाँ पे कोई भी रैंडमली आपको पासवर्ड एंटर कर देना है, एंड फ़ोन नंबर आपको जो भी रहेगा आपका एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ अपना, एंड राइट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने नेम, जीमेल आईडी, पासवर्ड एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर दिया है। अभी आपको रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार शो हो जाएगा। तो नीचे में आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे शो हो चुका है यूज़र क्रिएटेड एंड रजिस्टर सक्सेसफुल का हमें मैसेज आ चुका है। तो ये जो क्विज एप्लीकेशन का हमारा होम पेज है जिसमें हमने 6 बटन्स को इम्प्लीमेंट किए, C++, पाइथन, HTML, कॉटलिन, C#। इसकी जगह आप सब्जेक्ट के नेम भी डाल सकते हो, जैसे कि मैथ्स, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट के नेम है वो रैंडमली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये जो आपको टॉप में दिखाई दे रहा है क्विज ऐप्स, इसके बाजू में हमने एक नेविगेशन ड्रॉअर का ऑप्शन इम्प्लीमेंट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें हमने कुछ पेजेस इम्प्लीमेंट किए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट, शेयर एंड मोर। तो मैं आपको सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी पे आ चुके हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज भी सेम ही है। तो मैं आपको भी रेट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हम रेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने गूगल प्ले स्टोर एंड मोर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं शेयर पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे काफ़ी सारे शेयर के ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो अगेन इसको हम क्लोज करेंगे नेविगेशन ड्रॉअर को, एंड यहाँ पे मैं आपको एक सब्जेक्ट में एंटर करके दिखा देता हूँ। जैसे हम अभी सी पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम सी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन शो हो रहे होंगे ऊपर में, जैसे 20 क्वेश्चन। तो देखो हमने कोडिंग में 20 क्वेश्चन को ही इम्प्लीमेंट किए, इसलिए 20 क्वेश्चन शो हो रहे हैं। अगर सपोज आपको इसको चेंज करना है, इसको 50 क्वेश्चन करना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, एंड आप क्वेश्चन ऑप्शन सभी एंड आंसर को भी अपडेट कर सकते हो। तो मैं आपको अभी यहाँ पे रॉन्ग आंसर चूज करके दिखा देता हूँ, नन ऑफ दिस। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग शो हो जाएगा, तो देख सकते हो, एंड हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि हमारा रॉन्ग आंसर था इसलिए। तो हम क्या करेंगे, सी प्रोसीजर लैंग्वेज पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी रॉन्ग था। अभी हम 32 पे क्लिक करेंगे तो करेक्ट। देखो जैसे हमारा करेक्ट आंसर हुआ तो हमारा जो स्कोर था वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। एंड हमारे 3 क्वेश्चन अटेंड हुए इसलिए आपको टॉप में दिखाई दे रहा होगा 3 क्वेश्चन। तो मैं जल्दी से इसको नेक्स्ट कोई भी रॉन्ग करेक्ट चूज कर लेता हूँ, एंड कम्प्लीटली आपको 20 क्वेश्चन अटेंड करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो सिर्फ हमारे 3 करेक्ट आंसर है इसलिए स्कोर हमारा 3 शो हो रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं सभी को इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फंक्शन शॉर्ट koreo.h, करेक्ट स्कोर इंक्रीज हो चुका, रॉन्ग तो स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ, रॉन्ग तो जो हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम रिजल्ट एक्टिविटी में आ चुके हैं। तो कितने अच्छे से रिजल्ट एक्टिविटी हमारा शो हो रहा है जिसमें हमारे करेक्ट आंसर 6 है, एंड जो हमारा स्कोर है 6 है, एंड जितने भी रॉन्ग आंसर थे वो भी शो हो रहे 14। एंड नीचे में आपको सर्कुलर प्रोग्रेस बार भी शो हो रहा होगा, 20 में से हमारे 6 क्वेश्चन राइट है। जो राइट क्वेश्चन है वो ग्रीन कलर में शो हो रहे, एंड रॉन्ग क्वेश्चन है वो रेड कलर में शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका इंटरफेस रहेगा रिजल्ट का। एंड अभी हम रिस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज में आ जाएंगे। तो जैसे हमने सी के लिए इम्प्लीमेंट किया वैसे ही सी प्लस प्लस, पाइथन,
HTML, Kotlin, C#, सभी के लिए हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैं आपको अभी C++ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम रैंडमली अगेन सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो देख सकते हैं हमने 5 क्वेश्चन अटेंड कर दिए एंड हमारा स्कोर सिर्फ 1 है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ। तो जैसे हम क्विट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रॉन्ग आंसर 1 है, सॉरी रॉन्ग आंसर हमारे 4 है एंड करेक्ट आंसर 1 है जो हमने अटेंड किए, एंड बाकी के क्वेश्चन हमने अटेंड ही नहीं किए इसलिए यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा है। तो आप नीचे में प्रोग्रेस बार देख सकते हो, 1 क्वेश्चन राइट है इसलिए स्मॉल एकदम ग्रीन है एंड बाकी सभी रेड में शो हो रहा है। तो इस तरीके से क्विट बटन का भी यहाँ पे यूज होता है। तो अगेन मैं रिस्टार्ट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो सेम यहाँ पे हमने सभी के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया है, जैसे C#, कॉटलिन, HTML, पाइथन, इन सभी के लिए ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे क्विज एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो इस क्विज एप्लीकेशन को अगर सपोज आपको क्रिएट करना है तो इसकी कॉस्ट रहेगी 4000। अगर सपोज इसका सिर्फ आपको सोर्स कोड चाहिए इस क्विज एप्लीकेशन का तो इसका कॉस्ट 2000 रहेगा। एंड इस क्विज ऐप से रिलेटेड हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें कम्प्लीटली क्विज एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो सपोज आपको इस क्विज एप्लीकेशन को कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए भी यूज करना है तो इजीली आप यूज कर सकते हो। अगर सपोज आपको प्ले स्टोर पर अपलोड करना है तो इस क्विज एप्लीकेशन को आप अपलोड भी कर सकते हो क्योंकि ये कम्प्लीटली हम न्यू क्रिएट करने वाले हैं। ओके, मीन्स ये कम्प्लीट अपडेट रहेगा। तो आई होप गाइस अभी आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा क्विज ऐप से रिलेटेड। हमने कम्प्लीटली इसका इंटरफेस डिस्कस कर लिया है, इसका प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। अगर सपोज मुझसे आपको कांटेक्ट करना है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा एंड जीमेल आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप गाइस अभी हमारा कम्प्लीटली क्विज एप्लीकेशन से रिलेटेड वर्क हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।